अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। इस वक्त मैं मड़वा का जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिल्डिंग जो बन रही है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये जो मल्टी कम्प्लेक्स बिल्डिंग जो बन रही है करोड़ों की लागत से, यहाँ पर आज जो सर्दी का मौसम है उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर काम जो है वो ज़ोरों से चल रहा है, डबल शिफ्ट काम चल रहा है। हालांकि यहाँ पर -9 -10 आज सुबह मॉर्निंग में -7 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जो है वो अब बदल चुकी है और जो आज केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो है वो वेदर का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ये जो कॉलेज बिल्डिंग जो है वो बन रही है, यहाँ पर आज जो कॉलेज है वो एक प्राइवेट बिल्डिंग में जो है वो चलता है, यहाँ पर जो मड़वा में है। हालांकि वहाँ प्रिंसिपल तैनात है, लेकिन लोगों का कहना है कि जो जीवनदार जी यहाँ पर पहले थे प्रिंसिपल, वो रेगुलरली यहाँ बैठते थे और यहाँ की पढ़ाई का और यहाँ के एकेडमिक्स का जो है वो अच्छी तरह से ख्याल रखे हुए थे। लेकिन जब से नया प्रिंसिपल आया है वो हार्डली जो है यहाँ पर ड्यूटी अटेंड करता है, और यहाँ पर कुछ नॉन लोकल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वही जो है यहाँ पर कुछ ड्यूटी अटेंड करते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके बारे में बताया गया कि वो ज़्यादातर यहाँ से जो है वो गायब ही रहते। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पर जो हमारे नॉन लोकल मजदूर हैं जो हिंदुस्तान के डिफरेंट एरिया से यहाँ आए हैं, इस वक्त काम चल रहा है। और जो ये सेकंड स्टोरी है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो कोशिशें चल रही हैं, ताकि जो ज़्यादा बर्फबारी पड़ने से पहले ही जो है वो इसका जो है वो लेंटर लग जाए। हमें बताया गया है कि जो नितिन नटनू साहब है डोडा से, उनको जो है ये कॉन्ट्रैक्ट चढ़ा हुआ है। यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं इतना आसान भी नहीं है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर जो बिल्डिंग किश्तवाड़ में 1 करोड़ की बनेगी, यहाँ पर जो है वो 3.5-4 करोड़ में वही बिल्डिंग बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो कैरियर चार्जेस है, आपको पता होगा फूड डिपार्टमेंट का मैं नाम यहाँ लेना चाहूँगा, राशन के यहाँ काफ़ी स्कैंडल्स रहे हैं। एक क्विंटल राशन के लिए जो है 2600-2800 रुपये जो है वो कैरियर चार्जेस निकाले गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर जो ये सरिया इतना ये जो इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको पहुँचाना यहाँ तक जो है वो अपने आप में ठेकेदार के लिए जो है एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। यहाँ पर बिजली भी नहीं है, क्योंकि ये जो रॉड्स और ये जो आयरन रॉड्स या जो आयरन शीट्स है इनको जो काटना है, फिर यहाँ पर जो शटरिंग वगैरह का जो सिस्टम है उसके लिए जो है वो बहुत बड़ा जो है वो पावर स्टेशन जो है वो चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर जेनसेट जो है वो इंस्टॉल किए हैं ठेकेदार ने, यहाँ पर जो है वो लाखों की मालियत का जो है वो तेल भी जो है वो खर्च हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि जो मिट्टी का तेल यहाँ पर 100 रुपये का मिलता है, डीजल जो है वो 150 रुपये के करीब यहाँ लीटर मिलता है, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पम्प जो है वो नहीं है। अब हम ये जो बिल्डिंग है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो है वो बहुत जल्द जो है वो तैयार होगी। लेकिन यहाँ पर कॉलेज में जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टाफ की है, स्टाफ सेक्शन की भी जो है वो बड़ी ज़रूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो है वो पूरा ये मड़वा का जो है वो डिफरेंट इलाके जो है वो दिखाई देंगे आपको। ये जो एरिया है इसको सेंट्रल पॉइंट में रखकर जो है वो चूज़ किया गया है, क्योंकि जब यहाँ पर कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही थी, कॉलेज सेंक्शन था, लेकिन कुछ लोगों ने जो मफाद परस्त लोग हैं उन्होंने यूर्दू और नौपची के बीच में जो है वो लड़ाई कराने की कोशिश की थी, उस मसले में मैं भी शामिल था। और जब ये ज़मीन को जो है वो सिलेक्ट किया गया था और जब इसका नक्शा बन रहा था तकरीबन 10 साल पहले, तो मैं उसमें भी मौजूद था, जो इंजीनियर थे मैं उनसे भी मेरी बात हुई थी, और इस कॉलेज को मॉडर्नाइज तरीके से जो है वो बनाया गया था, जो नक्शा बनाया गया है। अब यहाँ पर काम जो है वो सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि अब सिंथन टॉप से जो है वो रोड भी आ चुकी है, इधर मरगन से, माफ़ कीजिए, वार्डवन से, अब जो है वो मटेरियल, जैसे पहले जो है यहाँ रोड नहीं था, अब जो है मटेरियल लाना आसान है, लेकिन यहाँ की कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि जहाँ पर स्कूल जो है वो बनने चाहिए थे, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स के जो रेट्स हैं वो फिक्स्ड है कि कितनी कास्ट में जो है वो स्कूल बनेगा, जम्मू या दिल्ली क्या का जो बजट है वो यहाँ नहीं चलेगा इस एरिया में। यहाँ किश्तवाड़ का पाडर एरिया है, यहाँ हमारा वार्डवन एरिया है, यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है 4 गुना 5 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, और यहाँ पर जो है वो लेबर भी ज़्यादा काम करने के लिए जो है वो कम कीमतों पर राज़ी नहीं होते हैं। मुझे बताया गया कि जो ये लेबर है इनको पर डे 1000 रुपीज़ है, जबकि 550 या 500 जो है वो किश्तवाड़ जैसी जम्मू जैसी जगह में जो है वो 500 रुपये पर डे जो है वो लेबर की जो है वो मजदूरी है जो लेबर है। हमने आपको जो है ये हॉस्पिटल भी दिखाया था, मुझे आज किसी ने बताया कि जो हॉस्पिटल है वो अभी CHC है, जबकि ये PHC बनाया गया, लेकिन स्टाफ स्ट्रेंथ जो है अभी CHC की ही है। तो हम डिमांड कर रहे थे कि इस हॉस्पिटल को जो है वो
सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्टेटस दिया जाए। मेरे पीछे जो है वो आपको दो मोबाइल टावर भी दिख रहे हैं। ये जो मोबाइल टावर है ये ताल वाइल्ड एलिफेंट से, एक BSNL का है और एक जियो का है। जो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो थोड़ा सा इस साइड आए, मैं आपको एक और मोबाइल टावर यहाँ से दिखाऊँगा। एक और मोबाइल टावर जो है वो वहाँ जो है वो दिखाई दे रहा है, जो ये पहाड़ी के बीच में जो ये है, इसको जो है वो रिन्नाई का एरिया के ये गालिबन नीचे जो है वो रिचल बोलते हैं इसको, वहाँ पर भी जो है मोबाइल टावर जो है वो लगा हुआ है। ये कितना खूबसूरत एरिया है आप देख सकते हो, ये पीछे जहाँ से ये चंजर बोंडा टनल बननी है, ये देख सकते हो कितना खूबसूरत जो है वो ये आगे से ये एरिया है। एक टूरिज्म पोटेंशियल भी है यहाँ पर, अगर चंजर बोंडा टनल बन सकती बनेगी, जैसा कि आप ये सोचते होंगे कि मैं हर एक में मोबाइल टावर ला रहा हूँ, चंजर बोंडा टनल ला रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ के लोगों का जो है नर्व पॉइंट है। जो कम्युनिकेशन है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यूरदू में की बात करूँ, वहाँ पर वीसेट भी नहीं चलता, जो यूरदू पंचायत का जो वीसेट है वो भी बैठा हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर ऑफिशियल्स जो है वो यहाँ से गायब है। यहाँ पर जो है वो एक PIL भी फाइल की थी मेरे दोस्त गुलाम रसूल मागरे साहब ने, उसमें जवाब दिया था कि जितने भी ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर फंक्शनल कराए जाएंगे, लेकिन ये जो जुलाई 2021 में गवर्नमेंट ने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ के जवाब दिया था हाई कोर्ट में, लेकिन यहाँ पर आज भी कोई ऑफिस जो है वो फंक्शन नहीं करता है प्रॉपरली। यहाँ से ज़्यादातर ऑफिशियल्स और ऑफिसेज जो है वो इस वक्त भी गायब है, जो कि एक कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है। मेरी एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट से रिक्वेस्ट रहेगी, जो उस PIL को जो उन्होंने की है गुलाम रसूल मागरे साहब के, उसमें जो है वो कोर्ट की नोटिस में ये फिर से लाए कि यहाँ पर जो आज है कोई भी ऑफिस जो है यहाँ पर मौजूद नहीं। मैं खुद देखकर आया हूँ, यहाँ पर जो है वो डॉक्टर गायब है, एक जो JNM है वो मौजूद थी हॉस्पिटल में आज, यहाँ पर डॉक्टर जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस में भी जहाँ पर भी जो है वो अब धंधा जो है वो चलना शुरू हो गया। तो लोगों को जो है वो यहाँ पर राहत नहीं मिल रही है इन चीज़ों से। राहत तभी मिलेगी यहाँ से लोगों को जब यहाँ का एरिया जो है कम्युनिकेशन लिंक हो जाए। हमने देखा कि जिस तरह से वार्डवन भी जो है वो एक बहुत बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पर अभी आज की डेट में 12 से 14 माइनस डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन वहाँ की सबसे एक पॉजिटिव चीज़ हमें सामने ये आ रही है कि सुखनई से भी जो है वो पिछले दिनों बर्फबारी के फोटोज़ वीडियोज़ आए, क्योंकि वहाँ मोबाइल भी चलता है और इंटरनेट भी जो है वो चलता है, चाहे धीमा ही चलता है लेकिन चलता है। लोगों की खुशखबरी आती है, लोग एक दूसरे को पता करते हैं कि जिंदा है, कैसे हालात है उनके। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर बिजली नहीं है, तो बड़े बड़े जनसेट लगाए हैं ठेकेदार ने यहाँ पर। मैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि इस तरह से वो कितना सीरियसली और कितना पेन ले रहे हैं वो यहाँ पर। चाहे जो भी हो, मैं लतीफ़ नाटू साहब को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, या शायद जानता भी हूँ लेकिन मुझे याद नहीं है। तो वो अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर ये हमारे मजदूर लगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगले साल तक जो है वो शायद ये जो अगले एक डेढ़ साल में जो है ये कॉलेज की पूरी बिल्डिंग जो है वो बन जाएगी, जिस तरह से हमारे पास हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है। हम मेरे पीछे जो है वो KGBV जो है वो हॉस्टल वो भी बन रहा है। ये शायद यूर्दू का एरिया है जहाँ ये बन रही है, और ये भी बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है। ठीक मेरे पीछे जो है वो दिखाई दे रही, काफ़ी दूर है, अगर कैमरामैन उसको फोकस कर पाए तो अच्छी बात है। तो ये यहाँ से जो है, मैं आपको एक बात बताऊँगा, ये जो है वो एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। जो मोबाइल टावर्स की मैंने बात की, यहाँ कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। और मड़वा जैसे एरिया में जो जहाँ पर 25,000 के करीब जो है वो आबादी है, ये लोग जो है वो ना रोड के से भी महरूम है, इलेक्ट्रिसिटी से भी महरूम है, सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन से महरूम है। और यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो है वो टोटली एक तरह से कोलैप्स्ड है। जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, हालांकि जो यहाँ पर मुलाजिम लगे हैं, चाहे RETC लगे हैं या किसी भी पैटर्न से लगे हैं, उन्होंने अपने घर जो है वो अनंतनाग बनाए, किश्तवाड़ बनाए, जम्मू बनाए, श्रीनगर बनाए, अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। जबकि जो यहाँ पर गरीब का जो बच्चा है, जो गरीब का बच्चा जो मड़वा के गरीब स्कूल में पढ़ता है, यहाँ के हाई सेकेंडरी में पढ़ता है, उसको जो है वो कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर जो हाई सेकेंडरी में कुछ नॉन लोकल मुलाजिम जो है वो मौजूद है यहाँ पर, मेरी उनसे बात हुई, पिछले 5-5, 7-7 सालों से जो है उनकी ट्रांसफर ही नहीं हुई है। यहाँ जिसकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है उसको ट्रांसफर ही नहीं किया जा रहा है। जैसे हमारे SDM साहब भी है, उनको भी 2 साल से ज़्यादा वक्त हुआ है, वो भी कोशिशें बारह कर रहे हैं कि उनकी यहाँ से ट्रांसफर
ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि ये बहुत हार्ड जोन है। तो मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पर बाहर से आए हुए मुलाजिम हैं उनका एक रिशफल करें, उनकी भी मजबूरियाँ हैं। कुछ लोगों ने यहाँ 5-5, 7-7 साल से जो है वो ड्यूटियाँ दे रही हैं, उसको भी देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो मड़वा है, जिसकी बिल्डिंग में यहाँ पर मैं मौजूद, स्टाफ की जो है वो बड़ी ज़रूरत है यहाँ पर, और जो स्टाफ है उसको पोस्ट किया जाए यहाँ पर। क्योंकि बाहर अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, जम्मू की बात करें, किसी और इलाके की बात करें, वहाँ पर जो है कम से कम ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है, आपके पास अल्टरनेटिव कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है। यहाँ के गरीब लोग जो है वो सिर्फ कॉलेज पर ही जो है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि पिछले दिनों कुछ लड़कों ने जो है यहाँ पर नेट भी क्वालिफाइड किया है, मुझे किसी ने बताया चेंजर से कोई लड़का है, इससे पहले भी जो है यहाँ पर काफ़ी लोग है जो नेट क्वालिफाइड है, एमएड करके है। यहाँ पर लाइब्रेरीज भी जो है वो कुछ वॉलंटियर यूथ भी जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो एजुकेशन सिस्टम जो है बिल्कुल एक तरह से क्लैप्ड है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की ज़रूरत है। और साथ में जो यहाँ पर ऑफिस जो नॉन फंक्शनल है उनको फंक्शनल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कोर्ट ऑर्डर की जो है वो वायलेशन है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जो PIL गुलाब रसूल मागरे साहब ने यहाँ से की है, उसके जो एडवोकेट है फहीम शौकत भट्ट मेरे दोस्त, वो जो है वो इसको देखें और कोर्ट की नोटिस में लाए कि कोर्ट को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ के ऑफिस के बारे में जो है वो गुमराह कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्योंकि आज सबसे बड़ा इशू जो है मरकनटॉप रोड का है, जो XEN है वो यहाँ से गायब है, यहाँ मौजूद ही नहीं है, यहाँ पर कोई ऑफिशियल ही मौजूद नहीं है सिवाय पुलिस के और आर्मी के, यहाँ पर मौजूद है और कुछ इक्का दुक्का जो लोकल यहाँ के एम्प्लाइज है। और यहाँ पर जो है वो मैं बता दूँ कि जो करप्शन है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टावर्स मोबाइल टावर्स अभी तक एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, इसकी तरफ भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले अगर किसी चीज़ की तरफ देखने की ज़रूरत है, एक ये हंजल रोड के जो पेड़ काटने हैं उसकी तरफ देखने की ज़रूरत है, और दूसरा जो ऑप्टिकल केबल है उसको जो है यहाँ तक पहुँचाने की वार फूटिंग पर जो है जिस तरह से यहाँ पर डबल शिफ्ट में काम चल रहा है, उसको भी जो है वो डबल ट्रिपल शिफ्ट में काम चलाकर जो है उस ऑप्टिकल केबल को जो है इन टावर्स के साथ टच देना है, ताकि यहाँ का जो है मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो फंक्शनल हो जाए और लोगों को जो है वो आसानी हो जाए, और यहाँ के रिपोर्टिंग जो है ये यहाँ के लोग भी, जो बैकवर्ड लोग हैं वो भी दुनिया के साथ जुड़ सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।